आज की इस सभा के अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ इस परिवर्तन संदेश रैली में उपस्थित ये जन समूह इस बात की गवाही देता है कि परिवर्तन संदेश रैली जो नाम रखा गया है हमारे नेता द्वारा, तो वाकई परिवर्तन तय है और 2022 में जयंत चौधरी जी ऐसे नेतृत्व का आपको देंगे कि सरकार जो बनने जा रही है 2022 में, उसमें नेतृत्व का काम हमारे नेता जयंत चौधरी जी करेंगे। साथियों, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, हमारे नेता जयंत चौधरी जी का जो नारा है वो है इंसानियत, मानवता और एकता। क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं, थाना भवन कस्बे में जो शामली का एक हिस्सा है, शामली में भी मोहर सिंह हो या हाफिज जामिन शहीद हो, दोनों ने, एक हिंदू हो या मुसलमान हो, सीना बसाना और एक साथ कंधा मिलाकर 1857 की क्रांति में यहां से अंग्रेजों को भगा दिया था। मैं इस मन से यही चाहता हूं कि हिंदू हो मुसलमान, आप लोग हमेशा गंगा यमुना तहजीब के एक हिस्सा रहे और हिंदू मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी में बराबर का हिस्सा लिया। हमारे प्रिय और सबके मसीहा स्वर्गीय चरण सिंह जी, जो किसान मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी काम किया किसान मजदूरों के लिए किया। हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी, जो आज गन्ना मिल यहां थाना भवन में लगा हुआ है, वो हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी की देन है। अगर वो मिलों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर से घटाकर 15 ना करते तो शायद ये मिल स्थापित ना होता। स्वर्गीय चरण सिंह जी सबके लिए पूजनीय है, स्वर्गीय अजीत सिंह जी सबके पूजनीय है। देखिए, इस सरजमी से दो सितारे और थे, गयूर अली खान साहब और स्वर्गीय राव राफे खान साहब। वो दोनों स्वर्गीय चरण सिंह जी के अनुयायी थे और स्वर्गीय अजीत सिंह जी के साथी रहे, उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मैं ये चाहता हूं, इस मन से ये कहता हूं कि स्वर्गीय राव राफे खान साहब, जिन्होंने अपने घर से, तो मुझ में कमी हो सकती है लेकिन गयूर अली खान में या स्वर्गीय राव राफे खान में कोई कमी नहीं हो सकती। मुझ में बहुत कमियां है, हो सकता है कि मुझसे कमियां हो, मुझसे गलतियां हुई हो, लेकिन जिन दो शख्सियतों का मैंने नाम लिया, गयूर अली खान, स्वर्गीय राव राफे खान, स्वर्गीय अजीत सिंह साहब के साथ, स्वर्गीय चरण सिंह साहब के साथ, चाहे इमरजेंसी लगी हो, चाहे वो सत्ता से बाहर हो, चाहे सत्ता के अंदर हो, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। आज साथियों, जो किसान की दुर्दशा है, उसके लिए जब किसान आंदोलन चल रहा था, हमारे राकेश टिकैत साहब बॉर्डर पर डटे हुए थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उस समय, अगर कोई आदमी खड़ा हुआ उनके साथ तो उनका नाम था स्वर्गीय अजीत सिंह। उन्होंने एक फोन कनकर कहा कि तुम डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने किसान आंदोलन को धार दी और जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी, अगर दलित के साथ को दुर्व्यवहार होता हो, दलित के साथ अगर कोई नाइंसाफी होती हो, किसान के साथ कोई नाइंसाफी होती हो, किसी आम आदमी के साथ कोई नाइंसाफी होती हो, तो एक आदमी है जो सबके लिए लाठी खाने का काम करता है, जिसका नाम जयंत चौधरी। साथियों, मैं दोबारा आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने नेता जयंत चौधरी के लिए, स्वर्गीय अजीत सिंह जी के लिए आशीर्वाद, 25 तारीख में प्रोग्राम था, हमें आपको श्रद्धांजलि देनी थी। सच्ची श्रद्धांजलि अगर हमारे नेता स्वर्गीय अजीत सिंह जी को होगी तो वो ये होगी कि हमारे नेता जयंत चौधरी, जिसको भी यहां से सिंबल दें, आप उसको विधायक बनाकर यहां से भेजें। हमारा सम्मान केवल एक है, हमारी इज्जत, हमारी ताकत केवल एक है, जिसका नाम है जयंत चौधरी। आप उनका सम्मान बनाइए, आप उनकी ताकत बनिए। हम केवल यही चाहते हैं, अपने लिए हम लोग कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोकदल।